हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रतिया। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयुर्वेदिक डाइट चार्ट के बारे में। आज के मार्केट में बहुत सारा सिनेरियो में बहुत सारा फैशन ट्रेंड हो गया है कि हमें डाइट चार्ट फॉलो करना है, डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस, डाइट चार्ट फॉर ओबेसिटी, डाइट चार्ट फॉर अनदर डिजीजेस पे। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बताने जा रही हूँ कि आपको अलग अलग डिजीजेस के अकॉर्डिंगली आपको डाइट चार्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको आयुर्वेदिक के बारे में जो टिप्स बताने जा रही हूँ कि जो आयुर्वेदिक का डाइट चार्ट है, अगर आप उसी चीजों को फॉलो कर लेंगे तो आपको बॉडी आपकी बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से फंक्शंस प्ले करेगी, तो आपको किसी भी अदर सेगमेंट्स में जाने की, किसी भी डॉक्टर या किसी प्रैक्टिशनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो डाइट चार्ट बताने जा रही हूँ ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इफेक्टिव है। और आयुर्वेदिक डाइट चार्ट में क्या है कि ये जो डाइट चार्ट है ये बहुत ही हमारे हजारों सालों से चलता आ रहा है। यानी कि आयुर्वेदिक डाइट चार्ट हमारा किसके साथ रिलेटेड करता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ। अगर हम लोग यही डाइट चार्ट फॉलो करें तो ये मेडिसिनल्स वे में ही हमारी बॉडी के लिए एज अ रसायन वर्क प्ले करती है, तो बहुत इफेक्टिव है। इस चीज को ध्यान से सुने। अगर आप इस चीज के बारे में पूरी जानकारी से सुनना चाह रहे तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपके फोन पर जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयुर्वेदा डाइट चार्ट? आयुर्वेदा डाइट चार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हजारों सालों से चलती आ रही, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और कंटिन्यू इसको फॉलो करने से क्या हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारा सोल, हमारे बॉडी के कई फंक्शंस है वो बहुत सही वे से रेगुलेट करना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, हमारी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और हम लोगों को बिल्कुल हेल्दी सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक डाइट चार्ट हमें फॉलो कैसे करना है। ये नहीं कि जो मैं चीज बता रही हूँ तो ये सबको फॉलो करना चाहिए। देखो, हमारी बॉडी की प्रकृति होती है, हमारी बॉडी की वात पित्त कफ है, ये तीन दोषास होते हैं, और ये तीनों दोषास हमारी प्रकृति के साथ कोरिलेट करते हैं कि हमारा नेचर कैसा है। अगर हम पित्तज नेचर टाइप के हैं तो हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, हमें कैसा फूड इंटेक करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी बैलेंस्ड फॉर्म में रहे। हमारे कई ऐसे मैंने देखा है कि डाइट चार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि एक डाइट चार्ट है उस सभी पेशेंट्स को एक ही डाइट चार्ट दे देते हैं वेट लॉस करने के लिए, बट हमें बॉडी की प्रकृति को तो हमने जज किया नहीं कि उसका नेचर कैसा है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको ठंडी चीज़ें चाहिए या गर्म चीज़ें चाहिए, उसकी बॉडी में स्पाइसी फूड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको ड्राई फ्रूट्स लेना है कि नहीं लेना है, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं जानते। हमें ये जाना बताया जाता है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत न्यूट्रिएंट्स है, तो आपको लेना चाहिए, तो हम लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो हमारी बॉडी में रोल्स ही नहीं अच्छे इफेक्ट प्ले कर रही, तो जिससे कि हम लोग अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि। ये जो पांचों जो हमारे 5 एलिमेंट्स है ये हमारे दोषस के साथ रिलेटेड करती है, और यही हमें बताती है कि वातज पित्तज कफज प्रकृति कैसी होती है। तो वातज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? वातज प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर भी रहता है वो काफी लाइट फ्रेम में रहता है। बॉडी उनकी काफी ज्यादा फिटिगनेस सम टाइप फील करती है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी उनमें रह सकते हैं, और एंग्जाइटी रहती है, और बॉडी सम टाइम आपकी उनकी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, तो जो कि वातज प्रकृति के ये लक्षण है। अगर पित्तज प्रकृति के लोग हैं तो उनका नेचर कैसा होता है? जो पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और बहुत ज्यादा डिसीजन नेचर के होते हैं कि इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। और इस तरह के जो पर्सन है उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो काफी मीडियम होता है, और शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा एकदम से आता है तो साथ ही रिलैक्स हो जाता है, और इस तरह के पेशेंट्स में भी डाइजेस्टिव इश्यूज की प्रॉब्लम्स भी रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है इस तरह के पेशेंट्स में। और कफज प्रकृति के जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा काम रहते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत ही कम आता है, और इस तरह के जो नेचर के इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो काफी स्टर्डर फ्रेम टाइप का होता है, और उसमें बेसिकली उनको अस्थमा, डिप्रेशन, इस तरह की कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है कफज प्रकृति के। ये हो गए हमारे वात पित्त कफ प्रकृति के लोगों का नेचर कैसे, उसके लक्षण कैसे। अब इसी के अकॉर्डिंगली ही हमें डाइट को कैसे फॉलो करना है। देखिए, अगर वातज प्रकृति के लोग हैं तो उनको डाइट में क्या चीजें लेनी चाहिए? उनको अपनी डाइट में वार्म चीजें लेनी चाहिए, यानी कि गर्म चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो वातज प्रकृति है उनका बॉडी का बैलेंस आउट हो जाता है, और उनमें बैलेंस आउट होने का यानी कि वातज है वायु,
वायु कभी भी कहीं पे भी घूम सकती है, तो उस चीज को बैलेंस रखने के लिए हमें वार्म चीजों का सेवन करना चाहिए, गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए, और उनको रिस्ट्रिक्ट क्या करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिटर हर्ब्स, कड़वी जो हर्ब्स रहती है उसको नहीं लेना चाहिए, ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जो पितज प्रकृति के लोग हैं उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए, और पितज प्रकृति के लोगों को अपनी डाइट में ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए और काफी एनर्जेटिक फूड्स का सेवन करना चाहिए, और जैसे कि नट्स, सीड्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कफ दोषस के जो लोग हैं उनको अपनी डाइट में हैवी फूड्स लेने चाहिए, यानी कि नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, और रिस्ट्रिक्ट क्या करना चाहिए, नट्स लेने चाहिए, सीड्स लेने चाहिए, वेजेस लेनी चाहिए, हेल्दी जितना फूड है वो कफज प्रकृति कुछ भी ले सकता है, क्यों, उनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, तो वो कुछ भी चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डाइट चार्ट है, जो कि हमने बताया कि वातज पितज कफज प्रकृति अगर ये बैलेंस फॉर्म में लेते तो उनकी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स है वो एग्जैक्ट वे में अपना फंक्शन प्ले करेंगे और उनकी बॉडी इफेक्टिव भी होनी शुरू हो जाएगी, और जितना बॉडी का विटामिंस है, मिनरल्स है, या लैक ऑफ फाइबर्स हो रहा है, वो सब चीजें अपनी अब्सॉर्बेंस सही वे से अपना करना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि उनकी बॉडी काफी बैलेंस्ड में आ जाती है। जब बैलेंस आ जाएगी तो बॉडी में वेट भी उनका नेचुरली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वेट गेन होने का भी सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि हमारी डाइट आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, तो जिसके कारण हमारा वेट गेन हो जाता है। अगर हम बैलेंस वे से डाइट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो इससे पहले कि मैंने अपनी कई वीडियोस में अपने डाइट चार्ट्स बताए हैं, डाइट चार्ट 1, 2, 3, 4 जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने डाला हुआ है, तो वहां पे भी जाके आप अपनी डाइट को सही ढंग से उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह से इस तरह के डाइट चार्ट को फॉलो करने से आपका जो माइंड है वो अच्छी तरह से प्रमोट होना शुरू हो जाता है, माइंडफुलनेस हो जाती है, और आपका माइंड भी काफी एक्टिव हो जाता है, और आपका हर तरह की चीजों में फोकस अच्छा लगता है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज अच्छी रहती है, बॉडी की सर्कुलेशन अच्छी रहती है, तो जो कि हमारा सब चीजें हमारी कोरिलेट करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारी फायर से, हमारी अग्नि से, यानी कि पेट से। अगर उस चीज को बैलेंस कर दिया तो आप वैसे डिजीज फ्री हो जाओगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कुछ छोटी टिप्स बताऊंगी, ये आप नोट कर लीजिए कि पित्त वातज कफज प्रकृति लोगों को क्या खाना चाहिए। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनको अपनी डाइट में हायर प्रोटीन लेना चाहिए। हायर प्रोटीन में एग्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पोल्ट्री स्मॉल अमाउंट्स में ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, यानी कि मिल्क, घी, बटर, फ्रूट्स यानी कि स्वीट, फुली राइप फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, पियर्स, पाइनएप्पल्स, बनानास, मेलन्स एंड मैंगोज। वेजिटेबल्स में स्वीट एंड बिटर वेजेस ले सकते हैं, इंक्लूडिंग कैबेज, कॉलीफ्लावर, सिलरी, कुकुम्बर एक्सेट्रा। लेग्यूम्स में आप चिक पीस ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, और भी ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, ये सब तरह के बीन्स आप ले सकते हैं। ग्रेन्स में बार्ले, ओट्स, बासमती राइस, वीट, ये सब चीज़ों को आप ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड कोकोनट। हर्ब्स एंड स्पाइसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर, क्यूमिन, सिनामॉन, सिलेंट्रो, डिल, टर्मरिक, ये सब चीजें आप पित्तज में ले सकते हैं। इसी तरह से वातज प्रकृति के जो लोग हैं उनकी भी डाइट चार्ट सम टाइप ऑफ डिफरेंट रहती है, तो उन लोगों को क्या लेना चाहिए। वातज प्रकृति में प्रोटीन्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ पोल्ट्री लेनी चाहिए, डेयरी में डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं एज इट इज जो पित्तज में बताया है, फ्रूट्स में फुली राइप ले सकते हैं, स्वीट्स ले सकते हैं, हैवी फ्रूट्स ले सकते हैं सच एज बनानास, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेपफ्रूट, मैंगोज एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स में कुक्ड वेजिटेबल्स हो गई, इंक्लूडिंग बीट्स हो गई, स्वीट पोटैटोस, अनियंस, रेडिशेस, रेडिश, तो ये सब चीजें हमारी हो जाती है वेजिटेबल्स में। लेग्यूम्स, ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये सब चीजें भी आप लोग नॉर्मल रूटीन में ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे कफज प्रकृति की जो डाइट है वो भी इसी तरह से हमारी रहती है, उन लोगों को क्या लेना चाहिए। लेट बी एग्जाम्पल, वापस प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए उनको भी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस एज इट इज वातज पितज कफज प्रकृति की उस सम फॉर्म में हमें लेने हैं, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। कफज प्रकृति की जो नेचर्स, जो कफज प्रकृति के जो पर्सन होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, तो वो इजिली डाइजेस्ट करते हैं, तो उनको अपना फूड भी हैवी रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू वाता पिता कफज। अगर आपकी भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, अगर आपको नहीं पॉइंट क्लियर हुआ कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ें, और जिससे कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, कई ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपको कॉल करेंगे और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सबका आपको सोल्यूशन देंगे। तो इसी तरह अगली वीडियो में भी मैं आपको जल्दी मिलूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।